प्रधानमंत्री बोल बोल कर थक गए कि भैया बाहर आंगना बंद करें, कृपया करके शौचालय बनाएं। लेकिन बॉलीवुड वाले हैं कि उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगनी, वो हैं कि पब्लिक में आके हग रहे हैं। और इस बार इन्होंने हगा तूफान, मतलब तूफान ही हग दिया है। तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा तूफान मूवी के बारे में, जिसे अमेजोन के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। इसकी लेंथ की बात करूं तो 2 घंटे 41 मिनट इसकी लेंथ है। तो यार इसको मूवी क्यों कह रहे हो, इसको सीरीज ही घोषित कर दो ना, 40-40 मिनट के 4 एपिसोड बन जाएंगे। बॉलीवुड अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आने वाला है। ये दिमाग का यूज करता है जबकि इसके पास होता है नहीं, वही अपनी हर मूवी के अंदर हिंदू मुस्लिम का कॉन्सेप्ट घुसेड़ना। अरे तुम एंटरटेनमेंट की तरफ ध्यान दो ना, क्या कन्वर्सेशन चल रही है मूवी के अंदर लव जिहाद को लेकर। अरे तुम्हें खुद भी पता है तुमने क्या बनाया है, क्या डायलॉग उसके अंदर तुमने डाले हैं, या फिर वही बॉलीवुड वाला वो नशा लेकर तुमने इस मूवी को बना दिया। पर जब इस मूवी का ट्रेलर आया था ना, सच में बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा ली थी इस मूवी से कि यार बहुत बढ़िया एक मोटिवेशनल मूवी होने वाली है, इसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसा इस ट्रेलर को देखकर लगा था। लेकिन जब ये आई तो भैया एक तरीके से फुसकी बम निकली। इन्होंने किया क्या, ये रॉकी मूवी जो है हॉलीवुड की, जो रॉकी मूवी है उसका कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया, सुल्तान मूवी का वो पेट वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया, और हिंदू मुस्लिम रिलीजियन का एंगल लेकर इसमें घुसेड़ दिया और बना दिया तूफान। देखो मूवी का नाम तूफान रख देने से मूवी सच में तूफान नहीं बन जाती है। इस मूवी के अंदर कहीं पर भी फाइट हो रही हो, चाहे रिंग के अंदर हो रही हो, चाहे वो बाहर हो रही हो, एकदम एवरेज, एवरेज से भी नीचे, मतलब देखकर कहीं पर भी आपको फील नहीं आएगा कि ये सच में फाइट चल रही है नहीं चल रही। लास्ट का एक सीन है, आप लोगों ने डिस्कस करूं तो उसके अंदर जो यहां पर फरहान अख्तर अपने अपोनेंट से लड़ रहे होते हैं, उसका नाम याद नहीं आ रहा, अपोनेंट मतलब शुक्र है भूल गया, तो अपने जब अपोनेंट से लड़ रहे होते हैं तो इसको कहा जाता है देख वो तेरा अपोनेंट जो है वो मेडल के लिए लड़ रहा है, तू लड़की के लिए लड़ रहा है। तो बस भाई इतना ही कहना था कि जो सामने वाले ने जो मेहनत की थी, उसकी जितनी भी मतलब उसने प्रैक्टिस कर रखी थी, वो गई तेल लेने। भैया लड़की के लिए लड़ रहा है भाई, ये जीतेगा। और वही होता है मेरे हिसाब से यार, ये जो ये मूवी है वो एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही है जो खिलाड़ी है या फिर जो ओलंपिक में जाने वाले उनको, देखो यार तुम लोगों को मेडल के लिए नहीं लड़ना है, तुम लोगों को लड़ना है लड़की के लिए, छोकरी के लिए, तो 100% तुम जीतोगे। और लास्ट के उस फाइट में रत्ती भर भी सेंस नहीं है जो हमारे, मतलब हम उसके साथ कनेक्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सिंपल एक एवरेज से भी नीचे की, मतलब उसमें फाइट चल रही होती है, पता होता है यार ये जीतेगा। और वही होता है एक तरीके की, जो लास्ट का जो सीन है वो एक मजाक है। अब क्या इस मूवी की स्टोरी की बात करें, एक मवाली, एक सड़क छाप जो बॉक्सिंग करना चाहता है और वो बॉक्सिंग सीखने जाता है, इसके अंदर दिखाया गया, फिर इसको एक लड़की से प्यार हो जाता है और इसमें दिखाया जाता है भैया वो लड़की तो सिर्फ इसी के लिए बैठी थी और तो उसकी जिंदगी में कोई था ही नहीं, अब वो लड़की जो इससे प्यार करने बैठती है, जब आप मूवी देखोगे तो ऐसे लगेगा कि हां भाई बस वो रेडी है, तैयार है, बस इसी की आने की देरी थी। और फिर करेंगे क्या, इसमें एक हिंदू मुस्लिम का एक कॉन्सेप्ट घुसेड़ देंगे, उसमें लव जिहाद के प्रेम भाषण दे देंगे, भारतीय जनता तो पागल है, वो तो देख लेगी सेक्युलरिज्म मूवी के। और फिर करेंगे क्या, एक ट्रेजेडी लाएंगे, 5 साल का बैन लगाएंगे, 5 साल बाद फिर वापस लाएंगे, फिर इसको जिता देंगे, वाह वाह वाह, जनता तो मतलब तालियां बजाएगी ना, कितना यूनिक कॉन्सेप्ट डाला इन्होंने। अरे जो काम नहीं आता उसको क्यों ही कर रहे हो, क्यों जनता का टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्यों खुद का टाइम बर्बाद कर रहे हो। और मुझे परेश रावल सर से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरीके का रोल प्ले करेंगे, सच में वो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था जो उन्होंने प्ले किया है। और फिर इसमें जब देखने को मिलता है कि हिंदू मुस्लिम रिलीजियन यहां पे डाला गया है, वो लव जिहाद के ऊपर बात की गई है, देखो यार जो चीज तुम बना रहे हो उसके ऊपर प्रॉपर नॉलेज लेके आओ, या फिर जब प्रॉपर नॉलेज है ही नहीं तो क्यों उसके अंदर जबरदस्ती की अपनी सोच उसमें घुसेड़ रहे हो। ये जो आइडिया है इस मूवी की स्टोरी का वो फरहान अख्तर सर का है भैया। तो जब उन्होंने ये लव जिहाद की कन्वर्सेशन इस मूवी के अंदर डाली, तुम्हें एक तरीके से ऐसे समझो जब ये CENRC के प्रोटेस्ट के लिए मुंबई में जो प्रोटेस्ट हो रहा था तो वे वहां पर गए थे, तो वहां पर इनके रिपोर्टर ने जब इनसे पूछा गया था आप यहां पर क्यों आए हो, क्या रीजन है, आपको पता है ये CENRC क्या है, इनको लिटरली वो चीजें भी नहीं पता थी और तब भी प्रोटेस्ट में खड़े थे। तो वही चीज होती है ना, देखो अगर आपके पास कोई फैक्ट है, कोई अच्छी चीज है, कहना ही चाहते हो और हिंदू मुस्लिम का एंगल आपने डाला ही है, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर नॉलेज है, तभी वो डालो ना, फैक्ट के साथ सामने वो बातें रखो ताकि सुनने वाले को भी वो चीजें अच्छी लगे। अगर बिना ही सोचे समझे बेवकूफों की तरह आप वो चीज कर रहे हो, मतलब गवर्नमेंट की नीतियों का विरोध कर रहे हो, या फिर गवर्नमेंट की नीतियों का विरोध भी नहीं उसका समर्थन भी कर रहे हो बेवकूफों की तरह, कुछ भी नहीं पता, तब भी दोनों सूरतों में घटिया ही लगोगे। इस मूवी को देखने के लिए मुझे 2 दिन लगे लिटरली, मतलब 1 घंटा देखने के बाद इस मूवी को बंद कर दिया क्योंकि ये सहन ही नहीं हो रहा था जो इन्होंने बनाया। मुझे पता था लास्ट में क्या होने वाला है या फिर अब जो आगे देखूंगा उसमें क्या होने वाला है, बिल्कुल अच्छे से पता था। इवन जब आप स्टोरी जैसे मूवी देखना शुरू करेंगे, जो वो लड़की जैसे इंट्रोड्यूस होगी आपको पता ही चल जाएगा कि वो कौन है। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 1 out of 10 सर। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी, और जिन्होंने नहीं देखो, देखो आप लोगों को बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड कोई मूवी ही देखनी है कि बॉडी बिल्डिंग का देख लेंगे
है भैया, इसमें अच्छी खासी बॉडी बिल्डिंग दिखाई गई है। तो भैया जो रॉकी मूवी है वो जाके देखो, काफी ज्यादा जबरदस्त। मतलब मैं कंपेयर ही क्यों कर रहा हूँ यार, ये मूवी तो कचरा है, कचरे से भी अगर कोई लेवल होता है ना ऊपर, वो है ये। तो रॉकी मूवी का नाम लेना इसके सामने यार एक तरीके से मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।